यूपी के जनपद हापुड़ में रेलवे रोड स्थित एक होटल में आजाद समाज पार्टी ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन, जिसमें संयुक्त गठबंधन ने हापुड़ नगर पालिका परिषद के चेयरमैन पद पर आदेश कर गुड्डू की भाभी पूजा को संयुक्त गठबंधन का प्रत्याशी किया घोषित। हम किसी से अपनी टक्कर नहीं मानते, हम अपनी नीतियों पर चुनाव लड़ रहे हैं और आदेश गुड्डू की मकबूलियत यहाँ हापुड़ में बहुत अच्छी है, लोगों के काम आते हैं, हर समाज के साथ कांधे से कांधा मिलाकर साना बसाना खड़े रहते हैं और हमें उम्मीद है कि हापुड़ नगर पालिका से आदेश गुड्डू ही यहाँ से जीतेंगे, ये हमको उम्मीद है। आदेश गुड्डू जी ने पिछले सप्ताह मेरे ऑफिस पे आकर ही पार्टी ज्वाइन की थी, मुरादनगर में। मैं प्रदेश महासचिव हूँ आजाद समाज पार्टी का और राष्ट्रीय कोर कमेटी का मेंबर भी हूँ। आदेश गुड्डू की भाभी हैं पूजा, मैंने आपको प्रेस नोट दे दिया ना। ऐसा है प्रत्याशी को तो कोई जानता नहीं, अब महिला सीट है तो महिला को तो कोई जानता नहीं, तो जानते तो आप आदेश गुड्डू को ही हैं। क्या महिला को जैसे नहीं जानते, क्या उनके नाम पे वोट ले पाएंगे? किन के नाम पे? महिला के नाम पे, आप कह रहे हैं कि कहीं नहीं लाता। क्या मैं आदेश गुड्डू यहाँ पे चुनाव लड़ेंगे, आदेश गुड्डू के नाम पे ही चुनाव होगा, प्रत्याशी उनकी भाभी होंगी। आज घोषणा प्रत्याशी हुई है ना? ठीक है ना, आज प्रत्याशी की घोषणा हुई है, लेकिन चुनाव तो आदेश गुड्डू ही लड़ेंगे। जब महिला सीट है तो महिला भी, वो मैंने कहा था इनको लाना चाहिए था प्रत्याशी को, नहीं लाए, ये कह रहे हैं कि शाम को हम प्रेस कॉन्फ्रेंस रखेंगे और महिला प्रत्याशी आपके सामने आएंगी। ठीक है ना, ये निमंत्रण आपके लिए इसलिए है कि हमें गठबंधन में लोकदल द्वारा हापुड़ सीट दी गई और गठबंधन में हमारे उम्मीदवार आदेश गुड्डू जी हैं। आजाद समाज पार्टी हापुड़ में नगर पालिका का चुनाव गठबंधन में लड़ेगी, लेकिन लोकल स्तर पर समाजवादी पार्टी के कुछ नेता यहाँ जो भ्रांतियाँ फैलाकर टिकट वितरण में कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं और अपने लोगों का टिकट भरवाने का काम कर रहे हैं। रात मेरी उनके प्रभारी से बात हुई, जो यहाँ के हापुड़ के प्रभारी हैं राकेश यादव, जो पूर्व महानगर अध्यक्ष नोएडा के, मैंने उनसे कहा जब गठबंधन में हम पे सीट है तो आप यहाँ से समाजवादी पार्टी का टिकट क्यों भरवा रहे हो? तो उनका जवाब था, मेरे पास रिकॉर्डिंग है उनका, उन्होंने कहा कि हाँ ये जानकारी हमको है कि ये सीट आपको दी गई है, लेकिन हमारा जो प्रत्याशी है वो मान नहीं रहा है। अब ये ना मानने का कौन सा कानून है? तो गठबंधन में अगर दरार पैदा करने का कोई काम कर रहा है तो समाजवादी पार्टी के यहाँ के लोकल नेता कर रहे हैं, इसमें हमारी गठबंधन की कोई जिम्मेदारी नहीं है। लोकदल के जिलाध्यक्ष बाकी हमारे साथ बैठे हैं, वो कुछ कहना चाहें तो अपनी बात रख सकते हैं, कह सकते हैं।